रायबरेली अमेठी में हुआ हत्याकांड का मामला, बिहार के सिवान एमएलए सत्यदेव राय पहुंचे रायबरेली। मृतकों के परिजनों से मिलने सत्यदेव राम पहुंचे। पीड़ित परिवार से घटना का जायजा लिया। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा। यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। देखिए विकास सिंह की खास रिपोर्ट। पर्ची दे दीजिए सर। मैं बिहार जिला सिवान दरौली विधानसभा से एमएलए हूं और बिहार विधानसभा में विधायक दल के उपनेता हूं और पर्यटन उद्योग संबंधित समिति के सभापति हूं। अभी हमने बिहार में यह घटना पढ़ा सुदामापुर के, हमने देखा कि पूरा परिवार निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। यह हत्या करने वाला कोई आदमी नहीं जला होगा और इससे मेरा अंग सिहर गया और मैंने फैसला किया कि मैं सुदामापुर जाऊंगा और उस पीड़ित परिवार से मिलूंगा और उसके हर पहलू को जानने की कोशिश करूंगा। उसी स्थिति में मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आपको कुछ जिस तरीके से नरसंहार हुआ है इसके नजरिए से देख रहे हैं, इसको नरसंहार हुआ है इस तरीके से देख रहे हैं, ये नरसंहार है और जो इसमें प्रशासन के तरफ से सरकार के तरफ से जो पहल हो रही है, ऐसे नरसंहारों का बढ़ावा देना और साथ साथ नरसंहार के अंजाम देने वाले लोगों का बढ़ावा देना, ये दिखता है। अभी हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी तह में जा करके और सच्चाई को हम जाने। अभी आप लोगों के सामने में जो मेरी बात हो रही थी कि जिस दिन जिस बाप की, पूरे हिंदुस्तान की ये बात है कि कोई बाप नहीं चाहता है कि हम अपने बेटा के शव को कंधा पर चढ़ा, उसकी कोशिश रहती है कि हम बेटा के कंधे पर जाएं, लेकिन यहाँ बेटा की मृत्यु, पतोहू की मृत्यु, नाती की मृत्यु, नतनी की मृत्यु निर्मम तरीके से किया गया है और दाह संस्कार करने जब जा रहे हैं तो सरकार अपने पास बुला लेती है। अरे ये तो हिंदू रीति रिवाज से भी गड़बड़ है। हिंदू रीति रिवाज में ये होता है लेकिन उस हिंदू रीति रिवाज को भी पालन नहीं करने दिया गया, उसको दाह संस्कार नहीं करने दिया गया, यह बात कोई दूसरी कहानी कहती है। और कुछ हमारे लोग यहाँ कह रहे हैं कि 5 बीघा जो जमीन दी गई है, तो आप लोग भी बहुत दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप बता दीजिए इसकी इसके अलावे कहीं और दिया गया है 5 बीघा किसी घटना में? कहीं दिया गया हो तो आप हमको बता दीजिए, हमको पूरी जानकारी नहीं है। तो लेकिन यह देने के पीछे भी क्या कारण है? 5 बीघा जमीन की जो बात लोग कह रहे हैं, ये देने के पीछे क्या कारण है? कारण इतना ही है, इस मामले को राफा दफा करना और चंदन वर्मा जैसे क्रूर अपराधियों को बढ़ावा देना है और दलितों को दबाने का काम किया गया है। इससे आगे मैं और नहीं समझता। सरकार ने नौकरी का भी वादा किया है, मकान देने की बात कही और तमाम चीजें आई। मैंने तो मांग की वो उस पर वो सरकार ने माना भी है। मैंने तो कहा इस तरह से जनसंहार हो रहा है और आप दोषी पर पूरे उसके यही कह रहे हैं कि अकेले तो नहीं मारा होगा और उसके जो लोग हैं उसको खोजने की जरूरत है। लेकिन यहां तो उत्तर प्रदेश में हम ये देख रहे हैं कि
दाह संस्कार करने को भी परिवार के लोगों को मुयस्सर नहीं हो रहा है। नहीं तो कायदे से वहां से डेड बॉडी उठा के आना चाहिए था सुदामापुर गांव में, और उनके जो घर के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, बिरादर के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको पहले ये अवसर देना चाहिए था। लेकिन आपने तो सारी विधि करके दिए कि अब आप एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इससे चिंता होती है। वो आधा यूपी लिख दें उससे हमारी बहस नहीं है, बहस इससे है कि उन्होंने थानों में एफआईआर किया था, सूचना दिया था कि हम पर खतरा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न वो कार्रवाई होती है और न अब भी वैसा ठोस कार्रवाई होती है, और केस को भी रफा दफा करने के तरफ पूरे तौर पर प्रशासन लगा हुआ। क्या परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार नहीं करने दिए गए? यही तो हम बोल रहे हैं, सबसे पहले तो खुदाई दी डेटी एफआईआर भी पढ़ी, क्या उससे क्या लग रहा था? अब एफआईआर हमने पढ़ी, हमने देखा कि जो आवेदन होता है, जो पार्थी होता है आवेदन देता है, और उसके नीचे उसका सिग्नेचर रहता है ताकि इस बात का पता चले कि पार्थी ने ये आवेदन दिया है। वो उनका सिग्नेचर में नहीं है, उनका आवेदन का बात दर्ज है वो नहीं है, तो किसी और प्रक्रिया के तहत होगा। अब हम लोग इसके जांच पड़ताल करने जा रहे हैं, अभी हम एसपी साहब के पास जाएंगे और इस पर डिटेल बात